बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू स्माइली फूड। और मैं हूँ नाहिद। आज हम बनाएंगे भरू शहर के बहुत ही फेमस अब्दुल भाई के स्पाइसी आलू, जिसे गुजरात में भूंगड़ा बटाका कहते हैं। इस रेसिपी की खासियत उसकी चटनी और ऊपर से डाले जाने वाले कुछ मसालों में होती है। तो चलिए गुजरात के मशहूर स्ट्रीट फूड भूंगड़ा बटाका को किस तरह से बनाते हैं देख लेते हैं। तो भूंगड़ा बटाका बनाने के लिए यहाँ पर हमने 3 बड़े साइज के आलू लिए हैं। ये उबले हुए आलू है और इसके हमने छिलके निकाल कर देखिए इस तरह से बड़े साइज में काट लिया है। और इसमें जो स्पाइसी लाल लहसुन वाली चटनी होती है, तो देखिए उसके लिए हमने यहाँ पर जो सूखी अखी लाल मिर्च होती है ये ले ली है। और हमने यहाँ पर लहसुन लिया है बहुत सारा, और छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है, और नमक लिया है। तो ये लाल मिर्चों को हमें आधा घंटे के लिए पानी में भिगो कर रखना है। और ये मिर्चियाँ जब अच्छी तरह से भीग जाए तो उसमें हम लहसुन और अदरक और नमक डालकर थोड़ा सा पानी डालेंगे और मिक्सर में इसकी चटनी बना लेंगे। तो देखिए इस तरह की हमने चटनी बना ली है। ये चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। तो यहाँ पर हमने स्पाइसी आलू के ऊपर जो स्ट्रीट फूड में खट्टी मीठी चटनी डालते हैं, तो ये इमली और गुड़ की हमने चटनी तैयार कर ली है। देखिए इस तरह से ये बहुत टेस्टी चटनी लगती है जब स्पाइसी आलू पर हम डालते हैं। तो इसके लिए हमने देखिए यहाँ पर इमली ली है, और इमली के जो सारे बीज होते हैं और जो रेशे होते हैं उन्हें हमें अलग कर देना है, और आधा घंटा हमें इमली को पानी में भिगो कर रख देना है। फिर इमली जब अच्छी तरह से भीग जाए तो उसमें हम गुड़ डालकर और थोड़ा सा पानी डालकर मिक्सर में इसकी चटनी बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये चटनी बनाकर तैयार कर ली है पहले से ही। तो चलिए स्पाइसी टेस्टी मसालेदार आलू बनाने के लिए हमने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल। तेल को अच्छी तरह से हम गरम कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी राई के दाने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। राई को अच्छी तरह से हम फूटने देंगे। अब गैस की फ्लेम हम धीमी कर देंगे और उसमें डालेंगे थोड़ी सी हींग। अब डालेंगे इसमें छोटा आधा चम्मच हल्दी पाउडर। और ये जो आलू हमने काट के रखे हैं उबले हुए आलू, ये इसमें डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और गैस की फ्लेम हमें मीडियम कर देनी है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इन आलूओं में हम स्वाद के मुताबिक नमक डालेंगे और 1 से 2 मिनट अच्छी तरह से हम हल्दी में आलूओं को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने का मतलब सिर्फ थोड़ा सा हम हल्दी में पकाएंगे इसे। ये स्पाइसी टेस्टी आलू बहुत ही कमाल के लगते हैं, आप एक बार ज़रूर बनाकर देखिए। आप तीखा खाने के शौकीन होंगे तो आपको ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। अब यहाँ पर हमने 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लिया है कलर के लिए, ये डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे और 1 चम्मच जीरा पाउडर डालेंगे, और अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार फिर से। अब इसमें थोड़ा सा हम पानी डालेंगे ताकि जो हमने मसाले डाले वो आलूओं के अंदर अच्छी तरह से कोट भी हो जाए और हमारा मसाला जले भी नहीं। अच्छे से आलूओं को एक बार हम मिक्स कर देंगे। 2 से 3 आलू को इस तरह से हम तोड़ देंगे ताकि आलू अच्छी तरह से हमारे ग्रेवी वाले हो जाए। तो बस 2 से 3 आलूओं को ही हमें इस तरह से मैश कर लेना है। 1-2 आलू हमने इसमें मैश कर लिए हैं और 1 से 2 मिनट तक हम इसे इसी तरह से इसमें जो हमने पानी डाला है थोड़ा सा इसे सुखा लेंगे। तो 2 से 3 मिनट देखिए हो चुके हैं, हमने जो 2 से 3 चम्मच पानी इसमें डाला था वो भी सूख चुका है, और इसका मसाला आप देख सकते हो कि आलू के ऊपर अच्छी तरह से कोटिंग हो चुकी है। अब गैस बंद कर देते हैं हम और इस पर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे मसाला आलू तैयार हो चुके हैं।
आप इन मसाला आलू को ऐसे भी खा सकते हो, ऐसे भी बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं, लेकिन जिस तरह से अब्दुल भाई की लारी पर मिलते हैं, बिल्कुल उसी तरह का टेस्ट देने के लिए हम एक अलग तरह की चटनी जो हमने बनाई है वो इस पर डालेंगे। तो देख लेते हैं इसे सर्व किस तरह से किया जाता है। तो चलिए, जिस तरह से लारियों पे इसे सर्व किया जाता है उस तरह से हम सर्व कर लेते हैं। मसालेदार चटाकेदार हमारे आलू स्पाइसी, देखिए आप इस तरह से भी खा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगते हैं ये। अब जो हमने खट्टी मीठी इमली की और गुड़ की चटनी बनाई है वो इस पर डालेंगे। इस चटनी से इसका फ्लेवर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, तो आप इस चटनी को जरूर बनाइएगा। अब जो हमने लाल मिर्च और लहसुन अदरक और नमक डालकर चटनी तैयार की थी, ये स्पाइसी चटनी इस पर डालेंगे। आप अपने हिसाब से इस पर चटनी को डालिए। आप कितना तीखा खाते हो, ज्यादा स्पाइसी खाते हो तो ज्यादा चटनी डालिए, और जिस तरह से कम ज्यादा आप कर सकते हो चटनी को। अब इस पर हम चाट मसाला डालेंगे, क्योंकि हमने ये मसाला आलू बनाया है तो इसपे तो चाट मसाला जाएगा, इससे ज्यादा टेस्टी और ज्यादा फ्लेवर आ जाएगा। तो लारियों पे बस इसी तरह से वो लोग सर्व करते हैं, बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है इस तरह से। इस पे थोड़ा सा काला नमक डालेंगे। अब इस पे नींबू का रस डालेंगे। तो लारियों पे जिस तरह से वो बोतल में नींबू का रस भरते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमने बोतल में नींबू का रस भर लिया है। तो चलिए इसे टेस्ट कर लेते हैं। दिखने में तो बहुत ही मजेदार दिख रहे हैं, खाने में भी ये इतने ही मजेदार बने होंगे। देखते ही मुंह में पानी आ जाए, बिल्कुल उसी तरह से ये बने हैं हमारे। तो देखिए, गुजरात में इसे भूंगड़ा कहते हैं। तो ये मार्केट में थोड़े लंबे साइज के होते हैं, लेकिन मेरे पास अभी छोटे साइज के थे, मैंने उसे फ्राई कर लिया है। तो इसे ये बटाके के साथ डालकर खाया जाता है, यानी जो हमने आलू बनाए हैं उस आलू में डालकर इसे इस तरह से खाया जाता है। ये बाजार में तैयार भी मिलते हैं और कच्चे भी मिलते हैं। आप इसका पैकेट लाके घर पर भी इसे पापड़ की तरह फ्राई कर सकते हो, और इस तरह से इसमें आलू को भरकर खाया जाता है। इस तरह से मसालेदार आलू को इस तरह से भूंगले में डालकर जब खाया जाता है तो एक क्रिस्पीपन ये भूंगले का और आलू जो स्पाइसी बना है, तो इस दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से एक बार जरूर बनाइएगा, आपको भी जरूर पसंद आएगा। इन चटनियों को आप अपने हिसाब से डालिए। आप स्पाइसी ज्यादा खाना पसंद करते हो तो चटनी ज्यादा डाल दीजिए, और अगर थोड़ी खट्टी और मीठी भी चटनी ज्यादा डालना चाहते हो तो उस हिसाब से आप डालकर खा सकते हो। तो अगर आपको स्पाइसी खाने का मन हो रहा हो तो आप इस मसालेदार आलू को जरूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।